गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग स्कॉटलैंड के लिए निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाया जाए। हम काफ़ी अर्ली निकले हैं, तकरीबन अभी यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं। वैसे हमारा एम तो था 5 बजे निकलने का, लेकिन निकलते निकलते 6:30 बज गए। हम स्कॉटलैंड बाय रोड जा रहे हैं अपनी कार में, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कंटिन्यूसली ड्राइव करें तो इट विल टेक अनदर 7 आवर्स टू रीच, सो इट्स 448 माइल्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अच्छी जर्नी होगी, कुछ ड्राइविंग इरफान करेंगे और कुछ ड्राइविंग मैं करूँगी। तो चलिए एज वी गो वी विल टेक यू अलॉन्ग विद अस टू स्कॉटलैंड। Almost 6.5 hours to go. Lots of greenery. अभी हमें another 4 hours and 46 minutes, so 292 miles left still. And अभी हम services पे रुके थे, वहाँ से हमने एक coffee ली, मैंने और इरफान दोनों ने ली, तो सोचा थोड़ा सा ब्रेक भी हमने दो ली। अच्छा ठीक है, दो कॉफियां ली हमने। और यस, सो दिस इज द सीनरी और दिस इज द व्यू, दिस इज द, तो अभी हम मेरे ख्याल से एक जगह है डोंकास्टर, वहां से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। सो अभी है ऑलमोस्ट अभी है अराउंड 5 आवर्स लेफ्ट, बट यस इट्स लुकिंग ऑल वेरी क्लियर, सो क्लियर ब्लू स्काइज विच इज रेयर इन द UK, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये व्यू है हमारा ऑन आवर वे, दिस इज अ प्लेस कॉल्ड पिनिथ, वी आर पासिंग बाय। अच्छा, आपको यहाँ पे हर तरह की शेड दिखेगा ग्रीन का, सो और जैसे जैसे हम स्कॉटलैंड की तरफ पास पहुँचेंगे हमें और ग्रीनरी नज़र आएगी। देखिए बादल काफी काला है, और ये हमारे ड्राइवर साहब, ये देखिए प्रिटी। हाँ, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी हल्के हल्के अब हमारी लैंडस्केप चेंज हो रही है, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, तो हम ऊंचाई सी लेवल से आगे ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, हल्के हल्के हमारी लैंडस्केप चेंज हो रही है, एंड इट्स लाइक आप जितनी भी दूर तक देखेंगे आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी, एंड इट्स अ साइट टू सी। So guys, finally we have entered Scotland. So now this is Scotland and we have another 2 hours to go and then we will reach Perth. देखिए खूबसूरती स्कॉटलैंड की, मेरी मदर कहा करती थी कि स्कॉटलैंड में हर शेड दिखेगा आपको ग्रीन कलर का, तो लिटरली यू कैन सी दैट।
तो हम पर्थ पहुंच गए हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम उठे तो हम टाउन सेंटर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको एक थोड़ा सा टूर दिखा दूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है और एज यू गो अलोंग, तो ये एक एयरबीएनबी है जो हमने रेंट आउट कराया है फॉर 4 days। सो दिस इज़ वेयर द ओनर लिव्स, सो दिस इज़ हर स्पेस। देन थ्रू द एली वे, सो देर इज़ अ, ये देखिए ये एक छोटी सी पुरानी जो हमारी मशीन हुआ करती थी, ये उस तरह की कुछ मशीन का रखा हुआ है। एज वी गो अलोंग द एली वे, सो देर इज़ अ स्मॉल डोर, यू ओपन इट एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, देर आर स्टेप्स एंड दिस टेक्स अस टू आर कैबिन। सो दिस इज द स्पेस वी हैव हायर्ड फॉर 4 days। ये देखिए, तो ये एक तो है, ये पूरा गार्डन है जो हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सेट आउट। In 200 yards, turn left onto St. Magdalene's Road. पूरा ये घिरा हुआ है सीनरी से और ब्यूटीफुल व्यूज से। और ये देखिए, ये एक्चुअल कैबिन है एयरबीएनबी का जो हमने हायर करा है। तो ये इसका लुक है फ्रॉम आउटसाइड एंड सो यू कैन सिट आउट। ये थोड़ी सी एक सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे एक बारबेक्यू के लिए भी है एरिया इफ़ यू वांट टू बारबेक्यू, बट हम बारबेक्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बाहर इसका आउटडोर्स है। अब आपको हम इंडोर्स भी दिखाते हैं। ये हमारा छोटा सा कैबिन है इस 3-4 दिन के लिए। तो इसमें एक स्मॉल डबल बेड है, ये सॉरी अवॉइड सीइंग माय लगेज, ये एक छोटा सा किचन एरिया है, उसमें माइक्रोवेव है, हमारे कुकिंग के लिए फैसिलिटीज़ हैं, वॉशिंग है, सारी कटलरी एंड यूटेंसिल्स हैं। देन वी हैव सम स्टोरेज हियर, देर इज़ अ टीवी इफ़ यू वांट टू वॉच, फायर स्पेस है। तो फायर स्पेस, क्योंकि स्कॉटलैंड में थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है, तो अगर हमें फायर करनी है तो यहाँ पे वुड भी है और मैच स्टिक्स एंड ये सब चीज़ें हैं। फिर इधर ये छोटा सा एक सोफ़ा इन्होंने रखा हुआ है इफ़ यू वांट टू जस्ट चिल। सो या एंड दिस इज़ इरफान, से हेलो। यस एंड दिस इज़ आवर व्यू फ्रॉम इनसाइड आउट, दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो अब हम लोग वी आर हेडिंग आउट टू द टाउन। तो एज वी गो अलोंग मैं बनाती रहूँगी वीडियो और आपसे मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय। सो अभी हम लोग आए हैं, एक पार्क है यहाँ पे काफ़ी बड़ा पर्थ में। सो वी हैव कम डाउन टू द टाउन सेंटर, सिटी सेंटर। अभी इट्स 8 o'clock, हाँ 8 बजे हैं। तो सिटी सेंटर तो क्लोज हो गया है, हाँ हाफ पास सेवन। तो अभी सिटी सेंटर तो क्लोज हो गया है, लेकिन हम सोच रहे थे कि हम पार्क जरा घूम लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा पार्क है ये, देखिए ये काफ़ी बड़ा पार्क है। और ये हमारे एयरबीएनबी से अराउंड 50 मिनट की वॉक है, बट इफ वी कम बाय कार देन इट टेक्स 5 मिनट्स। तो ये पूरा आप सामने देखेंगे, ये एक चर्च है, ये चर्च है, वैसे अभी क्लोज है तो हम अंदर तो नहीं जा पाए हैं। ये पर्थ की आप सीधे देखेंगे तो यहाँ पर्थ की हाई स्ट्रीट है, तो यहाँ पे सारी शॉप्स और पब्स हैं, काफ़ी हैपनिंग रहता है। लेकिन आज वीकडे है एंड पीपल आर स्टिल प्रॉब्ली कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, तो ये है। तो हाँ, तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ साइकिल कर रहे हैं। सो दिस इज इट। ये हम पार्क में चलते चलते पहुँचे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये अनाप सा है, मतलब यहाँ पे जितनी एक पीसफुल हॉल है ना, वो इंसान अगर यहाँ पे हो
उसको ही अंदाजा होगा, बट यू कैन सी Hello, we are back at the cottage and we have ordered some nice dinner. I'll show you now. Ta-da! So this is pizza. We have ordered from Domino's. We are watching some telly and just enjoying, yeah, a nice hot pizza. Isn't it, Irfan? Okay. We'll come back for more. Take care. Hi friends. So second day in Scotland. So aaj hum ja rahe hain Edinburgh. Irfan is driving. Hum log abhi filhal jayenge petrol station. Hum fuel top up karenge. Kyunki London se Scotland aane mein hamara half tank lag gaya. It was an 8-hour long drive. और इरफान ने ही he was the sole driver, लेकिन I supported him morally, but yeah, so we'll be going to Scotland, to Edinburgh today, and हम Edinburgh में जो चीज़ें देखेंगे घूमेंगे फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी. ठीक है, चलिए. So let's start the day. So we are crossing the bridge for Edinburgh. So this is the view. ये आ रही है हमारी ट्रैम जो हमें एडिनबरा सिटी सेंटर लेके जाएगी. We are just getting on the tram. Huh? This is. So we are here.